kissed her. कि अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर इक्वल टू आ जाए 5 और लोन पेयर इज इक्वल टू आ जाए 2, तो उस केस में जो हमारी ज्योमेट्री रहेगी वो तो रहेगी पेंटागोनल बाई पिरामिडली, लेकिन जो हमारी सेफ है वो हो जाएगी पेंटागोनल बाई प्लेनर, या तुम बोल सकते हो पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो, इसका सीधा सा मतलब है कि जब तुम पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ये सेंट्रल एटम, ये एटम बीच में होगा, जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा इस तरीके से ऊपर की तरफ होगा और इस तरीके नीचे की तरफ, मतलब दोनों के दोनों लोन पेयर एक दूसरे के एंटी होंगे, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगी क्या बन जाएगी? पेंटागोनल बाई पिरामिड, ओ पेंटागोनल प्लेनर बन जाएगी। भाई देखो, ये सारे प्लेन में आ जाएंगे ना एटम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 के 6 एटम तुम्हारे किस में चले गए? प्लेन में चले गए। किस में चले गए? 6 के 6 एटम प्लेन में चले गए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करो, एग्जाम्पल क्या होगा बताओ, उठाओ एग्जाम्पल, क्या उठाओगे? तो एग्जाम्पल क्या उठाओगे, देखो अगर मैं बात करूं BrF5 नेगेटिव की, बहुत यूनिक केस है ये एग्जाम्पल किसका होता है? पेंटागोनल प्लेनर का होता है, BrF5 नेगेटिव, 5, 6, 7 और एक क्या आ गए? लोन पेयर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 BrF5 2 नेगेटिव, BrF5 2 नेगेटिव, ये हो गया। साथ ही साथ और एग्जांपल बताओ, XeF5 लो, XeF5 दो लोन पेयर बनाने, ये आगे दो लोन पेयर, तो 5, 4, 9, तो XeF5 नेगेटिव, ये भी क्या होगा? प्लेनर होगा। और बताइए, तो ये पेंटागोनल क्या हो गए? प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी। तो ये तुम्हारी कहानी किसकी थी? स्टेरिक नंबर 7 की, जिसमें हमने ये केस पढ़े, 7 और 5, 12 और 1, 13, ठीक है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा हायर स्टैटिक नंबर पे चलते हैं, स्टैटिक नंबर 8 पे क्या हुआ। तो जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना। अच्छा, और अच्छा एक बात तो और रहेगी इसमें, बात क्या रहेगी? बात क्या होगी? देखो, अगर मैं तुमसे पूछ लूँ, जब इसमें एक्सियल इक्विटोरियल स्ट्रक्चर आ चुकी है तो उनके केस में भी ज़रूरी है कि फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा। भाई सिंपल सी बात है कि इसके पास भी टेंडेंसी है कि एक्सियल इक्विटोरियल पोजीशन शो करें, तो इसमें भी फ्लक्सोनलिटी आ जाती है जब तुम्हारे पास एक्सियल इक्विटोरियल पोजीशन का केस आ जाता है। जैसे मैं तुम्हें बोलने लगूं XeF7 जो पॉजिटिव होगा, इसमें एक्सियल और इक्विटोरियल की बोन लेंथ सेम ही होगी। अगर हम इसका 1HNMR देखेंगे तो हमें एक सिंगल पीक ही मिलेगी। सिंपल सब वही है कि एक्सियल इक्विटोरियल बनने में इनमें क्या होगा? आपस में रोटेशन होगा, तो इसमें एक्सियल और इक्विटोरियल डिफाइन ही होती। ऐसे ही IF7 हो गया, इस केस में भी एक्सियल और इक्विटोरियल सेम ही रहेगी और हमारा क्या आएगा? एक ही सिग्नल आएगा 1HNMR का 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो सिंपल सी बात यह है कि ये कंपाउंड सारे के सारे क्या दिखाते हैं? फ्लक्सोनियल बिहेवियर दिखाएंगे एक्सियल इक्विटोरियल का। इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बोल दूं, क्या बोल दूं? BrF5 नेगेटिव, ये हो गया, तो इस केस में भी क्या होगा? एक लोन पेयर होगा, होगा कि नहीं होगा? BrF6 नेगेटिव, तो 5 BrF6 नेगेटिव, इसको मत लो, तो फ्लोरीन लगाओ। तो बताओ इसमें अगर जैसे जैसे तुम टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इस पे भी दो पीक होती चली जाएगी, इसमें भी दो पीक होती चली जाएगी,
तो अगर तुम्हारे फ्लक्सोनियल की बिहेवियर की शो करे तो आई एफ सेवन भी तुम्हारा क्या है, एक फ्लक्सोनियल मोलिक्यूल है। क्या होगा, एक फ्लक्सोनियल मोलिक्यूल होगा। ऐसे ही बी आर एफ सिक्स पॉजिटिव, मतलब सिक्स बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर का जो केस होगा, जैसे उसमें तुम बी आर एफ सिक्स नेगेटिव ले लो, बी आर एफ सिक्स नेगेटिव लिया तो इस केस में ये लोन पेयर रहेगा। तो यहाँ पे इस लोन पेयर का बिहेवियर हो जाता है, छोटे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे भी इसमें फ्लक्सोनलिटी आती है। ये भी क्या आता है, एक फ्लक्सोनियल मोलिक्यूल है, एक्सियल और इक्विटोरियल पोजिशन आपस में चेंज होती रहती है, साथ ही साथ ये बिहेवियर ओ शो करता है किस, देखो तो सिक्स बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर वाला केस, तो इस केस में भी हमारा एक लोन पेयर आ जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो XCF6 एक एग्जांपल ले लो, तो इस केस में क्या होगा, 8×14 स्टैक नंबर इक्वल टू कितना आ रहा है 7। तो इस लोन पेयर के पास पॉसिबिलिटी क्या होती है, अमोनिया की तरह बिहेव करने की। तो ये भी एक फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करने लगता है जिसमें एक्सियल और इक्विटोरियल इक्वलेंट हो जाते हैं। या मैं तुम्हें इसकी सेफ की बात करूं, जैसे तुम्हारे पास क्या, अगर तुम्हारे पास केस आ जाए कैसा कि सिक्स बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर का स्टेरिक नंबर, तो उसकी सेप किस तरीके की दिखेगी, तो इसमें भी एक फ्लक्सोनियल बिहेवियर होने लगता है। कैसे होते हैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जो एक्स ई एफ सिक्स है वो क्या होना चाहिए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए ज्योमेट्री। अब होता क्या है कि इस केस में जो एक्स ई एफ सिक्स है, ये देखो एक्स ई एफ सिक्स है और ये लोन पेयर है, तो इस केस में क्या हो जाता है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर आ जाता है। और फ्लक्सोनियल बिहेवियर होने की वजह से ये लोन पेयर कभी हमारा एक्सियल पोजीशन पे चला जाता है और कभी हमारा इक्विटोरियल पोजीशन पे चला जाता है। तो अगर तुम ये ज्योमेट्री देख रहे हो तो ये क्या है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो हमारा जो सिक्स बॉन्ड पेयर प्लस के वन लोन पेयर में अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d3 आ रहा है, तो उस केस में हमारा ज्योमेट्री तो रहेगी पेंटागोनल बाई पिरामिडली, लेकिन सेप हमारी क्या हो जाती है, अगर साइड एटम स्मॉल हो तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना। ऐसे ही ध्यान रखो, ऐसे ही तुम्हें अगर ये पता लगे, ये सारी बता तो रखे, एक्टिव स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर और इनएक्टिव लोन पेयर, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर वो लोन पेयर होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। ये सब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ स्टीरियोकेमिकली। अब जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल दे दिया TeBr6 2 नेगेटिव, और तुम्हारे पास एग्जांपल दे दिया SbBr6 3 नेगेटिव, और तुम्हारे पास दे दिया XeF6, तो इन सब के पास लोन पेयर है। तो इन पूछ लेगा किस किस मॉलिक्यूल में स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर है और किस में इनएक्टिव लोन पेयर है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, P3D3, तो इनमें क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर प्रेजेंट है, और इस केस में स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर प्रेजेंट है। बोलो बात दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो ये हमारा मॉलिक्यूल है XeF6, ये भी क्या दिखाता है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर दिखाता है, और बिल्कुल सेम किसकी तरह दिखाता है, जैसे अमोनिया में फ्लक्सोनियल बिहेवियर दिखाता था। तो तुम्हारे पास जितने भी फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल आ गए वो सारे के सारे लिख लेना अपने पास, उसमें जो पीछे की कैटेगरी बनाई थी उसमें एक XeF7 भी जोड़ो, XeF6 भी जोड़ो, कर लोगे। अगर रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम ही होगी, ध्यान रखना इसमें, इन दोनों में भी सारी बॉन्ड लेंथ सेम ही होगी अगर वो रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलिए स्टैक नंबर 7 खत्म हुआ, अब आते हैं स्टैक नंबर 8 पे। देखो होता क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारा स्टैक नंबर बढ़ता चला जाता है तो लोन पेयर की टेंडेंसी पार्टिसिपेट होने में घट जाती है। अब लोन पेयर पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहा क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं है और दूसरी ऑर्बिटल को भी ज़रूरत नहीं है अब लोन पेयर को मिलाने की। तो जैसे जैसे स्टेरिक नंबर 6 से तुम ऊपर चले जाते हो तो लोन पेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता पार्टिसिपेट करना। तो अगर मैं स्टेरिक नंबर 8 की बात करूँ, हायर स्टेरिक नंबर 8 आ जाता है। अब देखो होता क्या है, अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो sp3d4 हो गया। अब d4 में हमारी dxy,
डी वाई जेड, डी जेड एक्स हो सकती है। अब जो लास्ट एक बचता है ये बॉक्स, इस बॉक्स से ही हमारी एट में स्ट्रक्चर डिफाइन होती है। देखो इसमें याद ही रखना है, इसमें तो ऐसे में तुम्हें कोई तरीका बता नहीं सकता कि अगर हमारा डी जेड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है sp3d4 में, तो उस केस में जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो डोडेकाहेड्रल होती है। क्या होती है? डोडेकाहेड्रल। इसके एग्जांपल देख लो, CrO8 3 नेगेटिव, ऐसे ही MoCO8 और 2 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल क्या हो जाएंगे, या तुम्हें एक सिंपल सा जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसका, AO8 3 नेगेटिव जब भी मिल जाएगा वो तुम्हारा डोडेकाहेड्रल आ जाएगा। या सिंपल सा क्वेश्चन ये आ जाता है कि डोडेकाहेड्रल में कौन सी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, ये तो करती है, साथ ही साथ तुम्हें ये याद रखना है कि इसमें डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट करती है। बोलो बात क्लियर है? ऐसे ही तुम्हारी अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाती है तो जो तुम्हारी ज्योमेट्री है वो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो जाती है। क्या हो जाती है? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, IF8 नेगेटिव, TAF8 नेगेटिव, या जो हमारा कोई भी एक एग्जांपल ले लो, AX6 नेगेटिव, जो भी एग्जांपल होंगे सारे के सारे किसके होंगे? स्टेरिक नंबर 8 के, 7 और 8 8 8 16 स्टेरिक नंबर 8 क्या होगा? तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो ये एग्जांपल तुम्हें याद ही रखना है, इसमें कुछ ऐसा मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब होता क्या, देखो इनका हाइब्रिडाइजेशन दोनों तरीके से मिल सकता है तुम्हें। क्या? कि तुम्हें इनका हाइब्रिडाइजेशन ये भी बोल सकता है, p3d4 भी बोल सकता है कि इनके पास एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हायर स्टैक नंबर पे चले जाते हो तो तुम्हारा एस ऑर्बिटल के जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है, वो प्योर एस ऑर्बिटल में चाहता है, वो प्योर एस ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा। अब बताओ डी स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हुआ। अब देखो अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं CrO8 की, तो किस तरह की इसकी ज्योमेट्री दिखती है, ये जनरल फॉर्मूला है, AO8 3 नेगेटिव और वो AX6 नेगेटिव, ये 2N नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। तो क्रोमियम पे इस तरीके की, इसको हम बोलते हैं डोडेकाहेड्रल, 3 नेगेटिव है, इसमें क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट मोड होते हैं, 3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरीके से 3 नेगेटिव चार्ज होता है। तो बाकी तुम स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाओ, कोवेलेंट बॉन्ड छोड़ो, इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ, इसको बोलते हैं डोडेकाहेड्रल। डोडेकाहेड्रल क्या होगा कि दो, जो ये दो रिंग है ये ऊपर की तरफ होगी और दो रिंग है वो नीचे की तरफ होगी, इस तरीके से। बाकी तुम गूगल पे देखना, वहाँ से 3D में ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हें, और बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बस एग्जांपल डायरेक्ट यही आएगा कि CrO8 3 नेगेटिव किस में आएगा, या एग्जाम क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि डोडेकाहेड्रल में जो तुम्हारी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, DZ2 है। बात क्लियर है? ऐसे ही MoCO8 या CN मिल सकते हैं, ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे, डोडेकाहेड्रल। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्रोमियम की क्या है इस यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नेगेटिव चार्ज, और 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 5। कर लेना, ये सब बता रखा है तुम्हें। इस केस में कैसे बनाओगे, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक का मतलब होता है स्टैगर्ड फॉर्म, जैसे कि अगर एक स्क्वायर ऐसे है तो दूसरा स्क्वायर कैसे होगा, इस तरीके से होगा, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो बनेगी कैसे, ये नोट डाउन कर लेना लास्ट वाली, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें डोडेकाहेड्रल में पूछेगा कि क्या होती है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में क्या होती है, तो तुम्हें ये तो ध्यान रखना चाहिए, डोडेकाहेड्रल DZ स्क्वायर और DXY। अब देखो होगा क्या, ये आई होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन, यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इस तरीके से। तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा गंदे की तरीके से दिख रहा है, तो ये पूरा स्क्वायर ही होगा, ऊपर भी एक स्क्वायर होगा। अगर ये स्क्वायर ऊपर इस तरीके से है
तो नीचे वाला स्क्वायर इसके बिल्कुल क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की नज़र आएगी, इस तरीके की। बोलो, बात क्लियर है? तो इसको बोलते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। तो ये किसके केस में आता है, स्टेरिक नंबर 8 पे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3d4, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा एक इकलौता एग्जांपल है स्टेरिक नंबर 9 का, xcf8 2-, ध्यान रखना। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो p3d5 होता है, या तुम्हें अगर लिखा हुआ ये मिल जाए sp3d5 तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर ये दोनों लिखे हैं तो तुम इसको प्रिफ्रेंस दोगे, p3d5 को। एग्जामिनर इतनी चीज़ें कन्फ्यूजिंग नहीं करता, हालांकि ये सब एक ही केस है इनका, तो इनको एक आते भी नहीं है। तो XCF8 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो क्या होगा, p3d5। और इसके अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या है, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर है। बोलो, कर लोगे? अब तुम्हें यहां तक क्या हो गया, सारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन का। लास्ट के जो ये तीन बताए हैं ना तुम्हें, ये थोड़े इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनमें डायरेक्ट पूछ लेता है डोडेकाहेड्रल में कौन सी डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर तुम्हें एग्जांपल दे देगा CrO8 2-, यही एग्जांपल देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में यही स्टैंडर्ड एग्जांपल है। उसमें IF8 TAF8-, AX-, और इसका ध्यान रखना XCF8 स्टेरिक नंबर 9 होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये सब जैसे ही तुम स्टेरिक नंबर 6 से आगे कूदोगे तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चले जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि उसमें हम 12 तक पढ़ते हैं, 13 तक पढ़ते हैं। तो क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट खत्म बिल्कुल। स्टीरियोकेमिकली एक्टिव स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, और भी बहुत ज़्यादा होती है, मोनो कैप, बाई कैप, बहुत आगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना कोई पूछता नहीं है, कभी कभी होता है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें उसमें भी बता दी जाती है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी बता देता है टीचर, या फिर तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बता देता है। इससे हायर जितनी भी होती है, मोनो कैप, बाई कैप, वो सारी ज्योमेट्री।